अनदेखी आशाएं गाय को कुत्तों ने बनाया निवाला। इटावा जनपद के भरतना विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुवरा सूजीपुर द्वारा त्रिलोकपुरा मार्ग पर संचालित गौशाला के समीप भूख प्यास से लाचार एक गाय बीते दो दिनों से तड़प रही थी, जिसका एक वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद गहरी नींद में सोए प्रशासन को जगाने हेतु घटना समाचार पत्रों आदि में सुर्खियां बनी। लेकिन प्रशासन सहित जिम्मेदारों ने उक्त आशाय गाय की सुध तक नहीं ली और न ही जिम्मेदारों ने उक्त गाय का इलाज कराने के साथ गौशाला में सुरक्षित किया, जिसके बाद लाचार और आशाय गाय को बीती रात्रि में क्षेत्र के जंगली कुत्तों ने अपना निवाला बना डाला। वहीं जब हमारे साथी की नजर गौशाला के अंदर पड़ी तो देखा कि गौशाला के अंदर और दो गोवंश मृत अवस्था में पड़े हैं। ग्रामीण श्याम किशोर दीक्षित और सुरेश चंद्र सहित ग्रामीणों ने बताया है कि गौशाला में हरा चारा भूसा दाना आदि के अभाव में बा समय से भर पेट भोजन नहीं मिलने के कारण गौशाला के अंदर और बाहर प्रतिदिन कई कई गौवंशों की लाचार होकर यूं ही मृत्यु हो रही है। गौवंशों की मृत्यु के बाद प्रशासन द्वारा समय रहते गौवंशों के मृत शवों का विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हो पाने और घटना स्थल पर पड़े रहने के कारण लाचार गौवंशों को व मृत शवों को कुत्ते निवाला बनाकर खत्म कर देते हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्र के ग्राम प्रधान पति शंकर कुमार ने बताया है कि उनकी गौशाला में पूर्व में कुल 80 गौवंश मौजूद थे। लंपी रोग की चपेट में आकर अब तक 30 गोवंशों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। वहीं क्षेत्रीय पंचायत सचिव अवनीश यादव ने बताया है कि गौशाला के अंदर रविवार सोमवार की मध्य रात्रि दो गोवंशों की मृत्यु हुई है, जिनका विधिवत अंतिम संस्कार कराया जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? कुमरा। दादा क्या गौशाला में क्या समस्या चल रही है? खूब समस्या चल रही है, तीन चार हफ्ता वही मरी डरी है, गाय मरी पड़ी है। हाँ, कुत्ता नौच रहा है। नहीं, गौशाला के अंदर गाय मरी पड़ी है? गौशाला के अंदर दो मरी पड़ी और एक गौशाला के बाहर खेत के दाप दी हुआ, जिंदा कुत्ता ने नौच ली। अच्छा, जिंदा खाली? हाँ, जिंदा कुत्ता ने। देखो वो प्रयास है, डरिए सामने। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? जाकर आप जाने, सरकार जाने का आयोग चाहिए। हम तो एकाध की नहीं है तुम्हारे बस, तो फिर बंद करो गौशाला, ढील दो, चरण खान दो। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि इसमें गौशाला में बहुत सारी गाय थी, इस समय कहाँ है वो सब? कम सब मर गई हैं, सब मर गई, थक गई, कुत्ता ने रोज खाई गई। अच्छा। हाँ, लगभग कितनी गाय थी इसमें? हमारे जो 100-150 आती हैं, अब नहीं है वहाँ। मैं कहूँ अब तो इसमें 6-7 गाय दिख रही है। हाँ, सब कुत्ता ने रोज खाई गई। सब कुत्ते खा गए? सब कुत्ता खाई गई। तो प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम भी एकाध की गौशाला रखो तो उनकी कड़ाई रखो, उनकी चारे पानी की व्यवस्था रखो बढ़िया। ये मर क्यों रही हैं? हैं, भूख नंगे मार हैं। अच्छा, चारा पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। भैया क्या नाम है आपका? श्याम किशोर दीक्षित। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कुवरा में। दादा क्या मामला है, आपने जो फोन करके हम लोगों को बुलाया है? सर जी, हम अपने खेत में लाभ बुआई का कार्य कर रहे थे तो हमने गाय पड़ी देखी, तब तो तड़प रही थी। कब? परसों जी। तो हमने निकालने की कोशिश की, बाहर निकाल के रखा और उसके बाद हमने ग्रामीणों को बुलवा के बाहर गाय निकलवाई, लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो गाय का बुक कर। आज फिर हम अपने खेत में बाजू करने के लिए आए तो फिर देखी तो उसमें कुत्ते लगे हुए हैं। तो गाय मर गई? वो गाय भी मर गई। मैं जात का ब्राह्मण हूँ, इससे तो बढ़िया पहले था, हम लोगों को दिखाई नहीं देता था कि क्या होता है गायों के साथ, लेकिन अब तो इस समय ये पोजिशन है, सामने हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग गाय को गाय माता मानते हैं और उसका पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन ऐसी दूसरा देख के कि आगे से कुत्ते लगे पीछे से भी लगे, बड़ी हालत खराब है। यहाँ चारा और भूसा के अभाव में ये गायों की मौत हो रही है, कोई यहाँ इंतजाम गाय
के लिए भूसा का या प्यार का किसानों से लिया नहीं जाता, किसान तैयार कर लेते हैं, मजबूरी में किसान फिर आग लगाते हैं प्यार में, फिर मुकदमा होता है उनके ऊपर। लेकिन प्यार अगर भड़ा के अगर डाल दिया जाए गायों के लिए तो इनका जो दयनीय स्थिति है गायों की वो भरा है। मतलब इस संबंध में प्रशासन को आपने जानकारी दी थी कि गाय ये असहाय है, इसको भोजन पानी की जरूरत है, ये मरी जा रही है, तड़प रही है? नहीं, प्रशासन को नहीं दे पाए, इसलिए हम किसान हैं नहीं समझ पाए। लेकिन हमने अपने गौशाला में जो लोग कार्यरत थे उनसे कहा कि भाई आप इस गाय को निकलवाओ, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वो घूरा निकाल निकाल के रोड पर उल्टा सीधा फेंकते हैं। बस अकेली साफ सफाई अकेली होती है गौशाला में, लेकिन चारा की गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये कहाँ की घटना है, कहाँ पे ये गाय पड़ी है? ये ग्राम पंचायत कुड़ा का गौशाला है, गौशाला से 5 मीटर दूरी पर ये गाय पड़ी हुई है बाहर। और यहाँ न तो पंचायत सेक्रेटरी ना एडीओ पंचायत के द्वारा, बिल्कुल विकास खंड से 500 मीटर की दूरी पर गौशाला है, वहाँ की ये स्थिति है। तो फिर और जगह दूर दराज क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी गायों की? अब आप क्या चाहते हैं, जैसे इस गाय को कुत्ते नोच रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि इसका समुचित उपाय किया जाए और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए, उनके चारा दाना की व्यवस्था की जाए सही सलामत, और अगर गाय कोई मर भी जाती है, कोई फंस जाती है, तो उसकी समुचित व्यवस्था करके आम जन लोगों को देखने को न मिले कि कुत्ते गाय को नोच रहे हैं, जैसे इससे गलत संदेश जा रहा है।